सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाई दे ऐसे गुरु दाता। सतगुरु तो ऐसे मिले जैसे सूरज आकाश, भरम अंधेरा मिट के ज्ञान किया प्रकाश। सतगुरु के दरबार में कमी कहूँ की ना, बंदा भोजन जान ही चूक चाकरी माँ। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद गण परमात्मा, संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सदगुरु की प्यारी संगत, निरंतर अपने गुरुदेव के या संतों के मुखारविंद से सत्संग श्रवण करने से हमारी बुद्धि की जड़ता नष्ट होती है। सत्संग डिस्ट्रॉय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन माइंड। कैसे जड़ता खत्म होती है और सत्संग से जीवन परिवर्तित हो जाता है। गरीब लोहे चुंबक प्रीतड़ी दोनों जड़ जगदीश, चेतन चेतन ना मिले लेस मिलत है लीस। लोहा भी जड़ होता है, चुंबक भी जड़ होती है, लेकिन जैसे ही चुंबक के संसर्ग में लोहा आता है तो तुरंत उसको खींच लेता है। कहते सदगुरु लोहे चुंबक प्रीतरी दोनों जड़ जगदीश, दोनों ही जड़ है, लेकिन प्रीति ऐसी है कि चुंबक लोहे को दूर से इधर रख दो तुरंत खींच लेती है। चेतन चेतन ना मिले लेस मिले तह लेस। कहते मनुष्य भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, लेकिन फिर भी परमात्मा की तरफ क्यों नहीं जाता, खिंचाव क्यों नहीं होता। संत भी चैतन्य में स्थित हैं और हम जीव भी चेतन हैं, लेकिन फिर भी हम जड़ जैसे बन गए हैं। जब आप संतों के सानिध्य में आओगे फिर संत अपनी ऊर्जा से अपनी कृपा से खींच लेंगे, लेकिन आना पड़ेगा जैसे लोहा चुंबक के पास आता है। जितनी दूरी होगी उतना खिंचाव नहीं होगा, जितना पास होगा उतना खिंचाव होता चला जाएगा। सदगुरु कहते हैं कि जड़ जड़ को पलट देता है लेकिन चेतन चेतन क्यों नहीं बदल पाता है, क्योंकि बुद्धि जड़ हो गई है। इसलिए सभी महापुरुषों ने मनुष्य के जीवन में सत्संग को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है। सत्संग बिना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता, हम ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते, हमारे में संस्कार नहीं आ सकते और हमारे हृदय की मलिनता खत्म नहीं हो सकती है। जब आप निरंतर सत्संग श्रवण शुरू कर देंगे तो परमात्मा ही हृदय में विराजमान हो जाता है और भीतर की सारी कलुषता को विकारों को मलिनता को खत्म कर देता है। इसीलिए पलटू साहब बहुत बड़े संत हुए, उनसे उनके सदगुरु देव ने पूछा कि पलटू तुझे क्या चाहिए, भक्ति मांग ले, प्रेम मांग ले, ध्यान मांग ले, साधना मांग ले, संसार से मुक्ति मांग ले, बोल तेरे को क्या चाहिए। तो पलटू साहब ने पता क्या कहा, क्या मांगा, बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, बिना हरि नाम ना मोह भागे, बिन मुक्ति न मिलेगी, मुक्ति बिना नहीं अनुराग जागे, बिना अनुराग से भक्ति ना मिलेगी, व्यक्ति बिना नहीं प्रेम उर जागे, प्रेम बिना नाम ना, नाम बिना सत्संत ना, पलटू सत्संग वरदान मांगे, पलटू सत्संग वरदान मांगे। क्या मांगे अपने सतगुरु से, बिन सत्संग ना कथा हरि नाम की, है सतगुरु बिना सत्संग के की कृपा के परमात्मा की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। अब संसार में बैठो कहीं भी दुनिया की ही व्यथा सुनने को मिलेगी, और जितना व्यक्ति व्यर्थ की और संसार की बातों में लगाएगा, व्यर्थ चिंतन बढ़ेगा और उसका हृदय मलिन होता चला जाएगा, मन में विक्षेप पैदा होगा। तो सदगुरु कहने लगे, पलटू साहब कहने लगे, बिना सत्संग के परमात्मा की चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, और बिना
परमात्मा की चर्चा के नाम के मोह खत्म नहीं होता, और बिना मोह खत्म हुए मुक्ति नहीं मिल सकती, और मुक्ति बिना परमात्मा में अनुराग नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता, और बिना अनुराग के भक्ति नहीं मिल सकती। और जो भीतर में प्रेम ही लोरे नहीं उठेंगी तो भक्ति कैसे करोगे? और भक्ति बिना प्रेम नहीं हो सकता परमात्मा से, तो प्रेम बिना नाम नहीं, नाम बिना संत नहीं। जब तक प्रेम नहीं होगा तो नाम कैसे मिलेगा, और नाम नहीं तो फिर संत कैसे मिलेंगे? पलटू सत्संग वरदान मांगे, उस पॉइंट पे आ गए कि और कुछ नहीं, एक सत्संग मिल गया तो समझो सब कुछ मिल गया, सारी बारिश हो जाती है भगवान की कृपा के। तो आप पुण्य आत्माएं हैं जो आपको सत्संग मिलता है, और सत्संग बिना जीवन कैसा होता है, और सत्संग मिल जाए तो कैसी परम गति मिल जाती है। गरीबदास महाराज एक उदाहरण में समझाते हैं। गरीब विभीषण लंका दही रावण कट है मुंडे, साचे साधु भवर हैं झूठे गोबर भूंडे। कहते हैं विभीषण लंका दही रावण कट है मुंड, और रावण जोड़न पर लग्या रहा, सोने की लंका मिल गई, और कुबेर से पुष्पक विमान ले लिया, दूसरे की स्त्री हड़के लिया, दूसरे का धन देवताओं को बंदी कर लिया, यानी भरता रहा अंत में खाली गया। और विभीषण ने क्या किया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ मिल गया, सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में चला गया, चरणों में दो पद्म मिल गए, तो आखिर में भगवान ने लंका विभीषण को दे दी। तो संसार में अगर न सोचो ना, कोठी खड़ी कर ली, बंगले खड़े कर लिए, धन जोड़ लूँ, बैंक भर लूँ, इतनी जमीन खरीद लूँ, ये कर लूँ। सदगुरु उदाहरण देते हैं, साचे साधु भंवर हैं झूठे गोबर भूंड। एक होता भंवरा काले रंग का, जो बगीचों में बागवानों में फूलों पर बैठता, उनकी मकरंद लेता, खुशबू लेता है, और उसके शरीर में भी खुशबू सी हो जाती है। और एक होता भूंड, वो भी काले रंग का होता, और जित चौथ पड़ा होगा ना गोबर इतना, उसमें पाओगा वो, और उस गोबर की क्या करेगा, पहले तो एक बिलसा बनाओगा, और गोबर की गोली बनाता रहे, और गोली बना बना उसने भूंड उस बिल ने भरता रहेगा। तो भंवरे की गोबर के भूंड की थी मित्रता, तो वो भंवरा बागवानों से आया था, सोचा रास्ते में अपने मित्र से मिल चलो, संध्या का समय है, अंधेरा हो गया, देखा अपने वो गोबर की गोली बनाने लग रहा। जैसे ही पास आकर बैठा, भंवरा खुशबू आई, अब फूलों के पास से आया था, अब भूंड ने सोचा भी बड़ी खुशबू आई, इसी तरह कद्दे भी नहीं आई, तो क्योंकि वो तो गोबर बटोला करता, गोली बना करता। इसी प्रकार प्यारी आत्माओं, जब तुम सत्संग में जाते हो ना, परमात्मा की खुशबू आने लग जाती है हमारे चारों तरफ, संसार को पता चल जाता है ये कहीं संतों के पास से होके आया। और जो संसारी है ना, उल्टे सीधे कर्म करके आ, उसके पास बैठ कर देखो इतने बुरे परमाणु आएंगे उसमें से, भक्ति में मन होना वो भी हटने लग जाएगा। संतों के पास होके जागरो, खुशबू लेकर जागरो संसार में। तो उसने सोचा बड़ी अच्छी खुशबू आई, तो उसने कहा भंवरे ने, अको हो ये तो भूंड बेचारा गोबर में, देख कितने बनान माटी हो रही, गोली बनावर बिल भरा है, और बदबू आओ, उसने ठहरना मुश्किल हो गया। वो भूंड तो कहा कि भाई तू मेरे साथ चल बागवानों में बगीचों में, देख कितनी अच्छी खुशबू है, अरे यहाँ इतनी बुरी बदबू, मेरे से रुका भी नहीं जा रहा, तेरे पास तो रात ठहरना था। उन्होंने बोला बोला ना, मन तो बहुत काम है, अब इतना बड़ा चौथ पड़ा गोबर का, सारे की गोली बनानी है और बिल भरने हैं, घना काम है। कहने लगे भाई तू एक बार मेरे साथ चाल, तू छोड़ दे इसने, इस बेगार ने गोबर की गोली दे, ब्रान माटी और ही करेगा केस का। तो उसने सोचा चलियो घना कह रहा तो इसके साथ चलो। अब भंवरा अगले दिन उसने ले गया, रास्ते में तालाब आया, ठंडी सी हवा लगी, कह सोचा यू सरियाण इसने मूंड भूंड ने मूंड गोबर में दे रखा, बांस चढ़ रही है, इसने थोड़ा नहवा दूँ। पहला नहवाया, गंगा किनारे ले गया, फिर उसने साफ सुथरा करके और बगीचे में छोड़ दिया, और छोड़ दिया, इतनी सुंदर खुशबू आई, कमल के फूल पर बैठ गया, गुलाब के फूल पर। जब गुलाब पर बैठा उसने सोचा हो ये तो कति स्वर्ग मर रहा है, और मैं तो देख के गोबर की उसमें चौथ में पड़ा था, और बुरी बदबू आवे थी। तो सारा दिन वहाँ बगीचे में रहे, शाम होने लगी, और उठे ना भंवरा, इतनी बढ़िया खुशबू आई वो भूंड ने। शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो फूल बंद होने लग जाता, वो मैं बंद हो गया, पर साइड में थोड़ी थोड़ी पंखड़ी खुली रह जाए, उसमें से हवा भी जाती रही। तो संध्या समय
तो उसने भंवरा ढूंढने लगा, मेरा मित्र कहाँ? अगर वो तो उठा है ना, वो तो फूलमय बंद हो गया, इतनी अच्छी खुशबू आई। सुबह सुबह बाग का माली आया और उसने अपनी डलिया लेके आया, फूल तोड़ा और उसमें वो भूंड था, तो उसमें धर ले गया और एक लोटे में थोड़ा हाथ जल डाला, गंगा जल, और उसमें मिश्री डाली और वो फूल भी धर लिया। मंदिर में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाया, वो जल भी चढ़ा दिया, फिर उस पर फूल रख दिया। और भंवरे भूंड ने सोचा, रहे इतनी सुंदर बगीचा था, अरे शिव जी के सिर पर धरा हूँ, अरे इसमें वहाँ से रस लिया, अब इस लोटे में जो मिश्री का गंगा जल था वो रस लिया, बड़ा आनंद आ रहा है। इतने में दूसरा भगत आया, उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो वो फूल नाली से बह के और वो पानी गंगा में जा था, वो फूल सहित भंवरा गंगा में बहता जा। अब भंवरे ने सोचा, मेरा मित्र कित गया, ढूंढने लग गया। ढूंढने लगा तो देखा फूल पर बैठा गंगा की धार में बहता जा रहा है। उसने कहा, अरे मित्र ठहरिए ठहरिए, मैं कब से तू गंगा की धार में डूब ना जा, और कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कलंगे बोल रहा है, मन्ना जी सा रहा है, पहला तो फूल पर बैठा खुशबू आई, फिर लोटे में मिश्री और गंगा जल, फिर शिव जी के सिर पर बैठा जाकर अरूढ़ भी गंगा जल के साथ गंगा की धार में बहता जा रहा हूँ, भाई राम राम, मेरी तो मुक्ति होगी तेरे संग से। तो उसने क्या कहा कि ये सत्संग अनेक सुख चढ़ो सिवा के शीश, अब तो मित्र मोए जान दे गंगधार के बीच। क्या कहा, सत्संग किए बहुत सुख चढ़े सिवा के शीश, अब तो मित्र मोए जान दे गंगधार के बीच। याद हो गया, कहेंगे सत्संग से इतना सुख मिला कि खुशबू मिली और शिव जी के शीश पर चढ़ा, भगवान के माथे ने चूके आया हूँ मैं, और फिर गंगा में जो शरीर छोड़े उसकी मुक्ति हो जाती है। हे मित्र, तेरा भला हो, तेरा शुक्रिया हो, तू तो संत है, तेरे संग से तो मेरी मुक्ति होगी, इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। प्यारी आत्माओं, संत भी यही करते हैं, उस संसार के गोबर से कूड़े करकट से निकाल कर अरे सत्संग के बगीचे में बिठाते हैं, अरे यहाँ अपने ज्ञान का सत्संग का अमृत पान कराते हैं, और एक दिन बहुसागर से निकाल कर परमात्मा के धाम में पहुँचा देते हैं। ये है सत्संग की कृपा। इसलिए सदगुरु कहते हैं, विभीषण लंका दही रावण कट है मूंडे, साचे साधु भंवर हैं झूठे गोबर भूंडे। ये प्रसंग गरीबदास महाराज ने सुनाया है सत्संगियों को, कि सच्ची आत्मा है ना, जो सत्संगी आत्मा जैसे आप बैठे, ये तो भंवरे जैसे हैं जो परमात्मा के नाम का सत्संग का रस लेते हैं, सुगंध लेते हैं, और झूठे गोबर भूंड। और जो कभी आते नहीं ना सत्संग के पास, ना नाम जपते, ना संतों के दर्शन, ना भक्ति, ना प्रेम, ना साधना, ना योग, कुछ नहीं, कहते हैं वो तो गोबर के भूंड हैं, इस संसार की बेगार में ढो रहे हैं, यूँ इकट्ठा कर लूँ, यूँ इकट्ठा कर लूँ, ये दुर्गति होगी। इसलिए प्यारी आत्मा, सब छोड़ो और संतों के चरणों में बैठा करो। जैसे मीरा को सब कुछ मिल गया था, लेकिन मीरा बाई सब कुछ छोड़ के संतों का संग करती थी, आनंद आता, और राणा उसको मना करते कि वहाँ नहीं जाना, तो मीरा कहती थी कुछ भी हो लेकिन मैं संतों का संग नहीं छोड़ सकती, सत्संग में आनंद है, और राणा जी आप मेरी लगन नहीं हटा सकते, मैं तो आद बैरागण हूँ, इस जन्म से नहीं हूँ, द्वापर युग से मेरा संबंध है परमात्मा से, मैंने तो हरि की भी संगत की है, संतों की संगत की है, इसलिए आप मुझे रोक नहीं सकते। चित्तौड़ घराना देखता रह गया, और मीरा संतों के बीच में बैठकर एक तारा खड़ताल बजाती, परमात्मा के पदों पर नाचती थी और उसकी भक्ति में लीन होगी। आइए आप भी थोड़ी देर मीरा का पद गुनगुनाते हैं और भक्ति में लीन होते हैं। राणा जी मैं तो आद बैरागण नार, सत्संग जाऊंगी जरूर, राणा जी मैं तो आद बैरागण नार, सत्संग जाऊंगी जरूर, राणा जी मैं तो आद बैरागण नार, सत्संग जा ओ रे सत संग जाऊंगी जरूर, सत संग जाऊंगी जरूर, राणा जी मैं तो आद बैरा अगण नारे, सत संग जाऊं। सभी बोले मेरे साथ साथ,
तियान राणा जी मैं तो आद बैरागण नार सतसंग जाऊंगी जरूर रे राणा जी मैं तो आद बैरागण नार सतसंग। राणा संतों से चिढ़ते थे तो मीरा ने क्या कहा कि अब क्यों चिढ़ते हैं, साधु आया पावना आया है, पलकें बिछानी चाहिए और मांगता क्या है, चार रतन धोने पानी साथरा सरदा से तियन, उसको आसन दे दो जल दे दो और सरदा से जैसी रुखी सूखी आपके घर में भोजन है भोजन दे दो, और धोनी रमाते हैं थोड़ी लकड़ी दे दो, हवन करते हैं थोड़े से और कोयले दे दो, बताओ ये साधु के चार रतन है। तो राणा जी आपका क्या घटता, आपके तो राजमहल खड़े हैं। राणा जी मैं तो आद बैरागण नार सतसंग जाऊंगी जरूर राणा जी मैं तो आद बैरागण नार सतसंग जा ओ संत हमारी आत्मा जी और बोलिए गुरुदेव भगवान की जय सत साहेब।